हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ का जहर लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर बांटना चाहती है। हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी टू कश्मीर जो यात्रा की थी, तो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उन्होंने अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, युवा लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, फार्मर लोग, इन सबको इकट्ठा किया था। इस देश में भाईचारा आगे लेके जाने की उन्होंने कोशिश की थी। ये भ्रष्ट जुमला पार्टी के कहीं केंद्रीय मंत्री, कहीं राज्य मंत्री, कहीं राज्यसभा के एमपी, इन दिनों हमने देखा है कि वो लोग वेनम स्प्रेड कर रहे हैं, वो लोग हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं। उन्होंने, एक मंत्री ने कहा कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी नंबर वन टेररिस्ट है, दूसरे ने कहा कि इनकी जबान काटनी चाहिए, किसी ने कहा कि जैसे महात्मा गांधी जी को मारा था वैसे इनको मारा जाएगा। ये क्या कहलाता है? ये भाषा, ये जो नैरेटिव है, ये हमारी देश की लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारा डिमांड है, वी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द बीजेपी लीडर्स, ऑल द यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एज वेल एज राज्यसभा एमपीज, वी कंडेम एंड वी डेयर द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो हेट्रेड फैला रहे, ऐसे लोग जो जहर फैला रहे, ऐसे लोग जो आतंकी भाषा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को अंदर होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। सो हमारी मांगे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे जो इनके कैबिनेट में लोग हैं, इनकी पार्टी में लोग हैं, ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल अंदर करना चाहिए।